ग्लासेस लगाई होती थी दुमन धूके बकरी यार बचपन में इतना मजा आता था वो प्लास्टिक वाली गन्स लेके मेरा भाई ले आता था और पटाखे ये लिस्ट होता था एक बार बताओ एक बार बताओ मैंने क्या किया था ईद का दूसरा दिन था जब मैं छोटी सी थी मैं तकरीबन होंगी कोई 8-9 साल की 9 साल की होंगी अभी भी याद है मैं अंदरून से हूँ ना शादबाग लाहौर मेन जो है लाहौर में सिटी सॉरी शहर सिटी क्या आएगा टाउन देख इसलिए दोस्त को लाई हूँ ठीक है अब सुने भाईजान क्या हुआ एक कहना नहीं चाहिए अंकल थे ठीक है तो मेरी अब बंदूक जो थी मुझे लगा था पानी वाली है वो छले वाली लेकिन वो छले वाली थी और वो मैंने अंकल के पीछे बैग पे ठुंग ठुंग डाली और अंकल कहते आई अल्लाह अल्लाह जी मैं गए अल्लाह बड़े पापा ने पकड़ा मुझे ऐसे पकड़ के बालों से ले गया अंदर मैं तो बड़े छले पे मुझे पता चला अच्छा ऐसे ये होता है मैंने कहा अब तो तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ मैंने फिर वहाँ टेरेस से छल्ले मारने करने सबको अब पता भी नहीं किसी को बच्चे रो रहे हैं निशान पर है बहुत जहरीले होते थे ब्रो वो वैसे लगते हैं सब यू आर फिनिश्ड देन टिक्की टिक्की करके आई थिंक द ओनली एक्साइटिंग पार्ट अबाउट ईद इज के यार शॉपिंग करनी है चूड़ियां लेनी है अच्छा लगना है पिक्चर लेनी है इंस्टाग्राम पर लानी है वापस हो जाना फॉर मी स्टिल ईद इतनी एक्साइटेड होती है मेरे लिए इतनी एक्साइटमेंट होती है मेरे में कि मैं अभी भी 4 दिन पहले भी दोस्तों को भेज रही हूँ भाई ये बताओ ये पहनूँ मेरी जो है खतीजा दोस्त बस कर दे भाई ईद अभी टाइम है अभी रोजे तो रख ले मैंने कहा नहीं मैंने 3 दिन के कपड़े रखती हूँ अभी भी और बेशक मैं कुछ करूँ ना करूँ मैं पूरा तैयार होकर बैठी रहती हूँ मैं कहती हूँ और मुझे किसी ने नहीं भी बुलाया मैं वैसे चल जाऊँगी किसी के घर किसी भी दोस्त के घर लाहौर में चल जाऊँगी क्योंकि क्या सीन है ईद का ब्रो अल्लाह ताला ने ईद सेलिब्रेट करने के लिए बनाई हुई अगर रोजे हैं तो वो भी अपना फर्ज है उसके बाद ही खुशी अल्लाह ताला ने देखी दी है कि देखो रिवॉर्ड है तुम लोग के लिए कि तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ चीज किया तो देखो तुम लोग के लिए मैंने ये दिन रखा है लेकिन अब सेल्फीज और पिक्चर्स इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द ईद ट्रेडिशन मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ी चीज है ना कि मैंने इस बार क्या सोचा है क्या मैंने इस बार सोचा है कि मैं ईद एंजॉय करूंगी आई हेट मोबाइल्स ऑन ईद मैं तो अब यही करूंगी बट मैं सेल्फीज और उसकी आपस में बात की थी फ्रेंड्स एंड कजन्स एंड समथिंग नॉट फ्रॉम द ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू नो पिछले साल भी ना सबको होता है कि सबसे पहले जाके सब ग्रुप में कैसे वो बोर हो रहे हो घर में कुछ भी हो लेकिन आपने तस्वीरें जरूर ली अच्छा मैं एक और चीज करती हूं मैं ना सबको व्हाट्सएप का एक ब्रॉडकास्ट वो ग्रुप बनाती हूं मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखती हूँ और दोस्तों को सबको दोस्तों को भेजती हूँ ईदी दो अभी ऐसे ईदी लेती हूँ मैं डायरेक्ट बैंक भेजते भी है ना नहीं पिछले दफा अच्छा मेरे इतने जलील दोस्त है 5-5 रुपए भेजते नहीं एक ने 500-500 भेजा था ना और तुमने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए फिर आपको भी तो भेजने पड़ते होंगे मुन्ना हाँ तो वही जो 5 रुपए मुझे भेजते हैं रिसाइकल ये बिजनेस है भाई ईदी को रिसाइकल करें आप ये पिछले साल तो मैंने ऐसा किया था अपनी जो एक ब्रांड की वीडियो डालनी थी ना वो मैंने पहले शूट करवा ली थी ईद से कोई 2 हफ्ते पहले मैं तो ईद काम तो ऐसे ही होता है नहीं मुझे ईद पे मुझे लगता है ईद एंजॉय करने के लिए भाई मैं नहीं अच्छा एक रमजान और ईद की एक चीज जैसे अब मुझे ये होता है कि हाँ पहले भी करते थे सब करते हैं चैरिटी की चीज कोई ना कोई ना आपके घर के आसपास जिसको आपको लगता है आप इफ्तार देते हैं या कुछ करते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर आपके कुछ फॉलोअर्स हों तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं किसी कॉज को जरा सपोर्ट कर दूं ताकि अगर मेरे जैसे दो लोग भी करें ये तो हटाती है हम लोग जो है बांटते हैं पूरा राशन होता है राशन बांटते हैं तो उससे ये होता है कि मतलब वो भी बड़ा ब्लेसिंग है बड़ा यू नो आई फील वेरी फुलफिल्ड लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट अबाउट रमजान इज आल्सो अबाउट गिविंग रियलाइजिंग के यू नो इन द स्टेट ऑफ स्टार्वेशन के हम लोग के पास है फिर भी हम नहीं कर पाते जिन लोग के पास नहीं है वो उनको हम फील करते हैं यू फील दैट एम्पैथी टुवर्ड्स ऑल द पीपल अराउंड यू तो इट्स आल्सो अबाउट गिविंग द मोस्ट यू नो इवन दो मेरी मामा नेबर्स मैं किसी को नहीं भी जानती होंगी मैं झूठ नहीं बोल रही मामा किसी से मामा की नहीं भी अक्सर बाबा कहते हैं तो सलाम तो आनी इनके घर क्या करना है भेज के अक्सर कह देते हैं ना कि मैं कितना अजीब लगेगा ये बाबा जाते हैं जिसका घर है ना सो खुद जाना ही भिजवाते नहीं मैं खुद भी अक्सर 2-3 दफा लेके गई हुई हूँ तो मामा अक्सर जिनको नहीं भी जानते नानी नहीं फलाने नु भेज दें उसको ये पापा कहते नहीं उनको तो मैं जानता तक नहीं उनसे मैं सलाम तो मामा कहती नहीं ये फर्ज है आपका एक दिन अगर रखे मामा ने बांटने का तो मामा सबके घर इफ्तार भिजवाती हैं और ये बहुत स्वीट पार्ट है और पता है आफ्टर यू नो योर फैमिली आपके नेबर्स भी आते हैं उनका भी हक होता है तो आप लोग के मोहल्ले में गली में या कम्युनिटी में आसपास कुछ ऐसा चीज होती है लाइक रात में क्रिकेट मैचेस होते हैं यू प्ले मतलब
अब तो वो वाला टाइम नहीं रहा कि मतलब, लेकिन अभी भी होते हैं क्रिकेट जाके नीचे बैठ के आप देख रही हो। मैं तो एक स्पॉट बना हुआ है मेरा ना, वहाँ तारे गार्डन्स है बिल्कुल साथ सोसाइटी लगती है, तो एक स्पॉट बना हुआ है, वहाँ बच्चे बैडमिंटन पता नहीं कौन कौन से गेम्स खेल रहे होते हैं, तो वो तो पूरी लाइट्स लग जाती है गली में और रात में टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, सारे लड़के खेल रहे होते हैं, लड़कियाँ बैडमिंटन होती है, बट इट वो पहले तो और फन होता था। आई फील क्या चीज होती थी जो अब नहीं होती, इवन डिजिटल भी अब हम करते हैं, लूडो स्टार, लूडो स्टार पूरी रात सब लूडो स्टार, इवन आई थिंक इन द टाइम ऑफ कोविड तो सब घर पे थे, रमजान जब कोविड में भी आया था तो उधर से लूडो स्टार जो शुरू हुआ था वो एक ट्रेडिशन बन गया, एवरी ईयर सहरी से पहले सब लूडो स्टार खेल रहे होते हैं ग्रुप्स बना के। वो जो कोविड में जो आया था रमजान उसकी वाइब भी और थी, वो आपको क्या वो गेम्स थी, लूडो स्टार था, पबजी, इतनी दो और मैंने ना, हाउस पार्टी, रमजान में वो ट्रेडिशन पिछले साल भी वापस रिपीट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड ना, बिकॉज कोविड पुश्ड यू टू दैट, और वो एक वही एक रूटीन जो रमजान का है ना, यू लाइक टू स्टिक टू इट, पता नहीं क्यों, एक मेरे अंदर तो ये चीज है कि अगर मैं she wants your attention. Okay, हाँ. Pay attention to what she's saying. अच्छा अच्छा. तो क्या होता है कि मैं मेरा तो ये चीज़ है, you were talking about. तो बात ये है कि अभी भी मेरा अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं बैट लेके गली में चले जाती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, बस अंदर मैं ऐसी हूँ. तो इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं, अक्सर लड़कियाँ नहीं खेल रही होती, मैं देखती हूँ, लेकिन मेरे घर अरे अब लौंडे नहीं खिलाते हमें, कहते नहीं बाजी नहीं, मैं पार्क में भी अक्सर जा रही होती हूँ ना, जो है ना लॉन में खिलाते हैं हमें, अब मेरी अभी भी छोटे बच्चों से लड़ाइयाँ होती हैं पार्क में, अगर झूला नहीं लगूंगी मैं तो लेकर जाऊंगी, क्या कर लोगे यहाँ पे, आप अपनी हाइट देखें, आप कैसे ले, मैंने कहा मैं ये झूला लूंगी, और ये तुम समझ रहे हो मैं भी तुम्हारी उम्र की हूँ, अगर मैं नहीं हम उम्र हूँ तो मेरा दिमाग तुम्हारे जितना है, कहते यार आप ये फेयर नहीं है, ठीक है मैं बैठ जाती हूँ, अब मैं बैठ के ऐसी बोलेगी झूला दो मुझे। मैं भी इसके साथ भी अक्सर कहीं चले जाएं तो मैं ऐसे उनके पार्क चले गए, अच्छा मैंने देखा कराची में तो पार्क नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, और इसको पार्क लेके जो है पार्क क्या मतलब, लेकिन वो फुल वो वाले मजे के पार्क नहीं है ना, जो मजे के वाले पार्क कौन से होते हैं जिसमें प्रॉपर स्विंग्स और मैं तो स्विंग्स पड़े हुए हैं, लाहौर में तो हर जगह गार्डन्स हैं हमारे, हम तो ऐसे लाहौर भी, लेकिन लाहौर ज्यादा। अच्छा मुझे तो लगता है रमजान में ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं सारी रात जागने की, वो उसकी वाइब ही अलग-अलग होती है, आपको जगह जगह कुछ ना कुछ होते हुए, योर सोल इज वेरी हैप्पी, लाइक आपको लगता है कि मतलब यू आर अचीविंग थिंग्स, और मुझे ऐसा लगता है कि रमजान में मैं बहुत एक्टिव हो जाती हूँ और मुझे काम करने का मजा आता है, पता नहीं कौन सा रमजान मना रही है, मैं तो बहुत स्लो हो जाती हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जाता है, मैं ड्राउजी हो जाती हूँ बहुत, बट ताक रातें थोड़ा उससे पहले होता है कितना भी के, मुझे लगता है एक स्पेशल फील होना शुरू जाता है आपको कि वो ताक रातें स्टार्ट होने वाली है, काफी सालों से अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूं कि यार मुझे इत्तेकाफ पे बैठना है। Okay. मुझे बैठना है पिछले साल भी मेरा प्लान था, फिर कोई ना कोई काम आ जाता है, क्योंकि अब हमारी लाइफ इतनी तेज हो चुकी है, इसमें तो अल्लाह ताला के मामले में बिल्कुल हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इस साल मैं यू नो अगेन मेकिंग माय माइंड कि कोई काम नहीं है, कोई शूट नहीं है इस बार, तो मुझे कि यार मैं ना करूँ इत्तेकाफ पे, तीन चार दिन वाला एक होता है और एक दस नौ दिन का होता है, एक नौ दिन का होता है और एक तीन दिन का होता है, तो मैंने तीन मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, बट आई नो एक नौ दिन वाला होता है और एक तीन दिन वाला होता है, तो मैंने सोचा कि तीन दिन वाले में कुछ भाई ये तो हम दोनों को ना ये छोड़ आगे चली गई, आगे चली गई है, स्पिरिचुअल लेवल इधर, हम दोनों तो सुस्ती से और पकौड़ों से और ये कि फ्रेश नहीं यार, रमजान बार-बार साल में एक दफा आता है, मैं बहुत एक्साइटेड थी लेकिन लाइबा को देख के मेरा जज्बा रिन्यू हो गया, आई एम नॉट जोकिंग सीरियसली। तो मुझे बताएं जब इंटरव्यू के लिए आपने बोला कि लाइबा आज फन करते हैं, ये इंटरव्यू नहीं था, हमने कहा कि हम चिट चैट करेंगे, बैठेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो मेरा दूसरा जवाब ये था हाँ श्योर आई एम इन।